और अब आगे बढ़ते हैं और सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद है, योगा एक्सपर्ट है और आज वो हमें बता रही हैं योगा फॉर किड्स, और आप भी देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुलाफे नकवी और आज हम आपको बताने वाले हैं किड्स वर्कआउट। किड्स यानी कि उनकी छुट्टियां हो चुकी हैं, समर्स हैं और पेरेंट्स के लिए उनको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है और वो कहते हैं वर्कआउट कराएं, लेकिन किस तरह का कि जिसके अंदर उनको इंगेज कर सकें, बिकॉज बच्चे ज़्यादातर इतने हाइपर एक्टिव होते हैं कि वो एक जगह 10 सेकंड से ज़्यादा टिक कर नहीं बैठ सकते। तो लोगों को जब मैं कहती हूँ कि अब उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएं, वो कहते हैं 10 सेकंड वो टिक के नहीं बैठता, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए बैठना पड़ता है, क्या करें। तो एक्सरसाइज के अंदर अगर आप उनके कोई फ़न डाल देते हैं तो उनके लिए आसान होगा और वो आपकी बात भी आसानी से मान लेंगे। लेकिन इसमें एक की पॉइंट होगा, अगर आप बच्चों के साथ खुद वर्कआउट करेंगे तो बच्चे खुद आपके साथ उस चीज़ में इंगेज होना पसंद करेंगे। अगर आप उन्हें सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे ये तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हें ये करना चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, वो सिर्फ सुनेंगे लेकिन उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर साथ आप हैं तो उनको हेल्प भी मिलेगी और वो उसको इमिटेट भी करेंगे, बिकॉज बच्चा इमिटेट करता है चीज़ों को। तो आपने साथ वर्कआउट करना है और वर्कआउट उनको कराना भी है ताकि वो इन छुट्टियों में हेल्दी भी रह सके, मेंटली एंड फिजिकली और इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों से अपने बोलना है कि आपने अपने आप को एक एफर्मेशन यानी कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो क्या होगी, वो कहना है, वो कहना है कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, क्योंकि बच्चों में खुद एतमादी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने आप को वो कहेंगे आई बिलीव इन माई सेल्फ। उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे मज़े की चीज़ पंचेज होंगे लेकिन नॉर्मल स्टैंड में। किस तरीके से, ये बच्चों के लिए वर्कआउट है कि आपने इस तरह से पंचेज थ्रो किए। अगर इसको इंटेंस आप उनके लिए बनाना चाहते हैं तो आपने साइड पंचेज इस तरीके से ताकि उनके ऑब्लिक्स भी जो हैं वो टारगेट हों, और साथ ही साथ आपने सामने भी पंच करना है, साइड साइड दिस साइड इस तरीके से, और आप स्ट्रेट भी पंच उनको थ्रो करने को कह सकते हैं। इस तरीके से आप इनको 10 से 15 की रेप्स में चीज़ को करा सकते हैं, या उनसे बोले कि मैंने 30 सेकंड्स का या 1 मिनट का टाइमर लगाया, आप जितने भी पंचेस थ्रो कर सकते हो आपने उतने पंचेस करने हैं। इस तरीके से वो इसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हाई नी जैक्स किस तरह से होंगे, आपने अपने हाथों को यहाँ रखा और इस तरीके से इसको आप परफॉर्म करेंगे। जैसे ही आप बच्चों को एक्सरसाइजेस के नाम बताएंगे वो उसको इतना इंटरेस्टिंग समझेंगे और आपके साथ इसको परफॉर्म करने लग जाएंगे। आपने ये एक्सरसाइज उनको 30 सेकंड्स तक करवानी है, उसके बाद 2 से 3 दफ़ा आपने इसको दोहराना है, और हर एक्सरसाइज के दरमियान आप उनको 15 से 20 सेकेंड का रेस्ट दे सकते हैं। और ये उनके लिए कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए भी उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनका हार्ट रेट जब ऊपर जा रहा होगा वो उसको इंजॉय भी करेंगे और उनको एक हेल्दी लाइफ गुजारने में भी ये मददगार साबित होगा। इसके अलावा हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं विंड मिल, क्या होगा इसमें हम थोड़ी सी वेरिएशन लेके आएंगे ताकि उनकी नीज में पेन ना हो। आपने अपनी नीज को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, अपने हाथ आपने यहां रखे और बेंड करेंगे जिस साइड पर आपने जाना है, उस नी को बेंड किया और टो को आपने टच करना है, टच करते गए इस तरीके से। आपने अब यहाँ पर 30 सेकंड्स तक आपने इस चीज़ को दोहराना है, और 1 से 2 दफ़ा या 2 से 3 दफ़ा आप इस चीज़ को उनको रिपीट करवा सकते हैं। इसके अलावा हम आएंगे फ्लोर पर कि फ्लोर पर आप किड्स वर्कआउट कैसा हो सकता है, आप उनको क्या एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। तो हम आ जाएंगे फ्लोर पर। फ्लोर पर आने के बाद क्या करना होगा, बच्चों को आप कराएंगे नी टक्स। किस तरीके से, आपने यहाँ उनको कहना है कि इस तरीके से ये अपना स्टैंस लें और अपने हाथों को यहाँ रिलैक्स होकर इस तरीके से अपने हाथों को प्लेस करें, और उसके बाद नी टक्स। बच्चे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जो एक्सरसाइजेज उनको फ़न लगती हैं, अदरवाइज वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो जैसे आपने यहाँ इस पोस्चर में गए, इनहेल एंड एक्सहेल 30 सेकंड्स तक आप इस चीज़ को दोहराते रहेंगे। अगर बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है तो आप उनको अल्टरनेट लेग रेजेस भी करा सकते हैं इसकी जगह पे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, थोड़ी सी फ़नी एक्सरसाइज है लेकिन जो कि हम बच्चों को परफॉर्म करा रहे हैं, एक्सरसाइजेस तो करनी पड़ेगी, वो क्या होगी कि आप डोंकी किक हम इसको बोलते हैं, आपने अपने जो पाँव है आपने उसको इस तरह से रखा जैसे आप अपनी रूफ को पुश कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपने पल्सेस इसमें ऐड कर दी। अदरवाइज अगर आप इसको इंटेंस बनाना चाहते हैं तो जैसे ही आपने नी को यहाँ एल्बो से टच किया उसके बाद आप किक करेंगे। सो किक करेंगे 30 सेकंड्स तक, और उसके बाद आप इसको स्विच कर जाएंगे दूसरी साइड पर। दूसरी साइड पर इसी तरह पल्स, अदरवाइज इंटेंस बनाना चाहते हैं तो एल्बो को टच किया और उसके बाद रूफ को जिस तरह आप पुश करेंगे, पाँव को आप अपने स्टिफ रखेंगे। ये चीज़ आपके ग्लूट्स के लिए भी अच्छी होगी। रिमेंबर, जब भी आप अपना बिगेस्ट मसल टारगेट करते हैं तो जो लोग फैट लॉस की भी बात करते हैं तो फैट लॉस भी जल्दी होता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो एलिवेट होने शुरू हो जाते हैं और ये बिगेस्ट मसल है, तो आप उसको टारगेट करेंगे तो आपका फैट लॉस जल्दी होगा।
इसके अलावा आप बच्चों को क्या करवा सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनके फेवरेट कलर पर। जो भी आपके बच्चे का फेवरेट कलर है, अगर वो आपको इस तरह से सही तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहा, तो आप उसको ग्रीन या ब्लू कलर इमेजिन करने के लिए कह दें, ताकि आपका बच्चा जो है वो एंगर मैनेजमेंट की तरफ जाए और साथ ही साथ काम और रिलैक्स हो। आपने कहना है कि जो भी कलर आपका फेवरेट है आप उसको इनहेल करेंगे, मिसाल के तौर पे ब्लू कलर इमेजिन किया एंड एक्सहेल, कीप योर बैक स्ट्रेट, ब्लू कलर एंड एक्सहेल, अगेन इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। इस तरीके से आप बच्चे की एक जो फेवरेट चीज़ है उसमें भी आप उसको इन्वॉल्व करेंगे, आप उसको कहेंगे कि आपका फेवरेट कलर, यानी कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उसको अहमियत दे रहे हैं कि जो भी तुम्हारी फेवरेट चीज़ है वो तुम मुझे बताओ और उस पर मैं तुम्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाऊँगी। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि बच्चे वो करते हैं जो आप उन्हें करके दिखाते हैं, बच्चे वो नहीं करते जो आप उनसे कह रहे होते हैं। तो बच्चा इमिटेट करेगा इस तरीके से कि वो चीज़ अगर आप परफॉर्म करोगे, अगर आप भी एक्सरसाइज कर रही होंगी यानी जो हमारी मम्स हैं वो साथ एक्सरसाइज कर रही होंगी, तो बच्चे भी एक्सरसाइज को इंजॉय करेंगे। आई होप कि ये किड्स वर्कआउट आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो हमारे किड्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या इस शो को देख रहे हैं, सेगमेंट को देख रहे हैं, तो इसको इंजॉय करने वाले हैं। इस हवाले से मुझे आपका फीडबैक भी चाहिए होगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस।